हिंदी सिनेमा के नए शोमैन संजय लीला भंसाली जब भी किसी अभिनेत्री के साथ काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक ही अदाकारा की फिल्म में देखने को कहते हैं और वो अभिनेत्री हैं नूतन। चर्चित अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी तनुजा की बहन और हाल ही में फिल्म नोटबुक से सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री प्राणुतन बहल की दादी। नूतन के 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी उनकी भतीजी काजोल ने 2011 में अपना 6ठा फिल्मफेयर पुरस्कार जीत कर किया। नूतन के जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके 5 बेहतरीन किरदारों के बारे में। सीमा। अमय चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी फिल्म सीमा में नूतन ने एक अनाथ लड़की गौरी के किरदार में बेहतरीन अदाकारी की। इसी फिल्म के लिए नूतन को फिल्मफेयर का पहला बेस्ट एक्टर फीमेल खिताब मिला। पेइंग गेस्ट। सुबोध मुखर्जी के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेइंग गेस्ट में नूतन, देवानंद और शुभा खोटे मुख्य भूमिका में थे। सुजाता। बंगाली लघु कथा सुजाता पर आधारित इस फिल्म ने नूतन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1960 के कान फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो पूरा विदेशी मीडिया इस पर नई अभिनेत्री को जानने के लिए बेताब हो उठा। इस फिल्म में नूतन ने मुख्य पात्र सुजाता का किरदार निभाया। बेहतरीन अदाकारी के लिए नूतन को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार मिला। सौदागर। सौदागर जब ये पिक्चर आई तब अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे। अमिताभ की जंजीर के पहले की जिन फिल्मों को उनके प्रशंसक आज भी देखना पसंद करते हैं उनमें से एक फिल्म सौदागर भी है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है फिल्म में नूतन का एक विधवा का किरदार। इस फिल्म को ऑस्कर में भारत की तरफ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में भी भेजा गया। मेरी जंग। सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग अपने समय की ट्रेंडसेटर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नूतन अनिल कपूर की मां के किरदार में नजर आई। इस फिल्म ने नूतन को उनके करियर का 6ठा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया।